नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। रिलायंस से जियो ने उत्तराखंड में देहरादून से अपनी ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत कर ली है और इसकी घोषणा कर दी है। देशभर में जियो 5G का रोल आउट बड़ी तेजी से हो रहा है। देहरादून में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने वाला जियो एकमात्र ऑपरेटर है। 11 जनवरी से देहरादून में जियो उपयोगकर्ताओं को जियो वेलकम ऑफर दिया जाएगा। ऑफर के तहत यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 GBPS प्लस की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। लॉन्च पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में जियो 5G के लॉन्च पर मैं जियो को, उत्तराखंड वासियों को, विशेष तौर पर देहरादून के लोगों को बधाई देता हूँ और ये 5G लॉन्च उत्तराखंड और यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे सभी को काफी फायदा होगा। राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा सबसे आगे रहा है। देहरादून में जियो ट्रू 5G के शुभारंभ पर मैं जियो को, उत्तराखंड वासियों को और विशेष तौर पर देहरादून के लोगों को बधाई देता हूँ। यह 5G लॉन्च उत्तराखंड और यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे सभी को काफ़ी फायदा होगा। राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुँचाने में जियो हमेशा सबसे आगे रहा है। 5G सेवा के शुरू होने से छात्रों, व्यवसायियों, IT, स्वास्थ्य सेवाओं सहित आम जनमानस कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को नए अवसरों व अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। 5G प्रदेश के नागरिकों और सरकार को रियल टाइम के आधार पर जुड़े रहने में सक्षम बनाएगा और सरकारी योजनाओं को अंतिम कड़ी तक पहुंचाने के प्रयासों में भी सुधार लाएगा। मैं एक बार फिर से राज्य के डिजिटल परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया विजन और उत्तराखंड के डिजिटल देवभूमि के विजन को साकार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए जियो को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।